हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी क्लब प्री का एनालिसिस करने वाले हैं। 12 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे पेपर का ओवरऑल लेवल क्या था, सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से देख लेते हैं क्विक। देखिए, पजल्स में रीजनिंग की बात करें ईजी आ रहा बिल्कुल। अगर पजल्स की बात करें, पजल्स में क्या क्या पूछा गया, तो पजल्स में टोटल 4 पजल पूछे गए, जिसमें पहली थी 7 बॉक्स 5 क्वेश्चन, 7 फ्लोर थे 5 क्वेश्चन, मंथ एंड डेट दे रखा था 3x2 यानी 3 मंथ 2 डेट थी, जो कि 9 और 26 दे रखी थी, इससे भी 5 क्वेश्चन। एक ऑर्डर एंड रैंकिंग थी हाइट वेज, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए। इसके बाद बात करें स्लॉक्स, स्लॉक्स से 4 से 5 क्वेश्चन थे, 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, जिसमें एक ओनली अ फ्यू वाला भी क्वेश्चन था। बात करें इनइक्वालिटी की दोस्तों, तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। डायरेक्शन की बात करें 3 क्वेश्चन, इससे पहले ब्लड रिलेशन था, इस बार डायरेक्शन पूछ लिया गया। चाइनीज कोडिंग इस बार पूछा गया 5 क्वेश्चन का। ठीक है, ये भी नया आया है, यानी कि ये दो चीज़ें जो है यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिली है, और बाकी पेपर एज इट इज़ है। मिसलेनियस से 3 क्वेश्चन, पेयर बेस्ड मीनिंगफुल वर्ड इसका मिंट आ रहा था, ऑड वन आउट 1 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स भी ईजी देखने को मिला है, DI से 2 DI आई, एक टेबल एक बार ग्राफ। टेबल में कुछ इस तरीके से था, ABC 3 लोग थे, टेबल चेयर और सोफा ये बना रहे थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन थे, इसके बार ग्राफ था 6 क्वेश्चन, ए था बी था, ए पेन पेंसिल इरेजर का डाटा था, बी का भी पेन पेंसिल और इरेजर का डाटा दे रखा था। इसमें प्रत्येक DI में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंथी थे, हार्ड नहीं थे, लेंथी थे, मतलब थोड़े बड़े क्वेश्चन कर दिए थे उनको, आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइपिंग थे, 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा ले देते, बस इतना सा था उसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज, ये एक मेन फैक्टर हो सकता है, क्योंकि इससे पहले मिसिंग सीरीज थी तो वो ईजी होती है, रॉन्ग थोड़ी हार्ड हो जाती, बट फिर भी इजी आई थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं रॉन्ग थोड़ा टाइम टेकिंग होती है। सिंप्लीफिकेशन 12 से 15 क्वेश्चन आए। अर्थमेटिक की बात करें तो 12 से 15 क्वेश्चन, जिसमें टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, टाइम एंड स्पीड डिसेंट, SICI से क्वेश्चन हमें देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, तो मैथ्स का लेवल भी ओवरऑल ईजी था दोस्तों। अगर हम बात करें कि पेपर का लेवल क्या रह सकता है दोस्तों, तो पेपर का लेवल आप देख सकते हैं ईजी है, तो ये भी कैसा था, ईजी आपको देखने को मिला है। बात करें कि इसमें सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों UR की यदि बात करें, तो अगर आप 73 प्लस करके आए तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, और OBC में 72 प्लस, और EWS में भी 72 प्लस, SC में अगर आप 70 प्लस बना के आए तो सेफ हैं, और ST में 66 प्लस बना के आए तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ये स्टेट वाइज डिपेंड करेगा, ये वेरी करेगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए अगर आप इसका इतना सेफ अटैम्प्ट है, तो आप बिल्कुल मेंस की प्रिपरेशन में लग सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके मार्क्स कितने, और थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।